दोस्तों आज के सब वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होती है, डीपी होती है आपके इंस्टाग्राम की, उसको काफ़ी ज़्यादा इमेजिंग लुक में कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर एक बॉर्डर कैसे लगा सकते हो, गोलमाल, ठीक है, इस तरह का बॉर्डर कैसे लगा सकते हो। अगर आप एक नॉर्मल डीपी को लगाते हो अपने इंस्टाग्राम पर तो कुछ इस तरीके से दिखती है, लेकिन अगर आप बॉर्डर लगा दोगे साइड में, इमेजिंग लगा दोगे कलरफुल बॉर्डर, तो आपकी प्रोफाइल कुछ अच्छी दिखेगी। अगर आप किसी को मैसेज सेंड करोगे या फिर आपकी प्रोफाइल को देखता है तो वो देखेगा यार किस तरीके से बनाई गई है। तो इस तरीके की आपने देखी होगी ज़्यादातर आजकल जो नए नए जो भी यूट्यूबर होते हैं या फिर कोई भी बड़े बड़े हैं, तो वो सभी आजकल इसी तरह की डीपी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगा रखे हैं। साथ साथ में डीपी के कॉर्नर में आप देखेंगे तो एक राइट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, वेरीफाइड का, ठीक है, वेरीफाइड व्यूज जिसे बोलते हैं ब्लू टिक, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी डीपी पर। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं, अपनी डीपी के ऊपर गोलमाल वो बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, कलरफुल जैसा आप चाहेंगे वैसा लगा सकते हैं। साथ साथ में जो राइट का ऑप्शन होता है वेरीफाई बैच जिसे आप ब्लू ट्रिक बोलते हैं, वो भी आप लगा पाएंगे। किस तरीके से लगाए जाते हैं, ऐसे में आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, मैं बताता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर बॉर्डर लगाएंगे, अपने डीपी के ऊपर आप जिस भी पिक को सिलेक्ट करेंगे उस पिक पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट है जिस पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर में आप ओपन हो जाएंगे। वहां पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छा लगे इसे अभी से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल डीपी के ऊपर, इंस्टाग्राम की डीपी के ऊपर उस तरह का बॉर्डर लगा पाए गोल इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप मोबाइल के किसी भी एक ब्राउजर में ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आने वाला है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम की डीपी के ऊपर ब्लू ट्रिक लगा सकते हैं, साथ साथ अपने बॉर्डर भी लगा सकते हैं गोलमाल अपनी डीपी के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ऐड है कलर बॉर्डर टू यूअर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की बॉर्डर जो है बता दी गई है, आप अपनी डीपी के चारों ओर पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे तरीके के कई सारे कलर्स हैं जो कि मुझे यहाँ पर, मैं एक पसंद कर लेता हूँ। आपको जो भी एक पसंद है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपनी पिक यहाँ पर, अपनी फ़ोटो यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कई सारे कलर्स वाले हैं, ये भी जो पूरे लोड हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको पूरा खुलने देता हूँ, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सभी ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप डीपी के ऊपर कौन सा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आपको जो पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा है वेरीफाइड बैच, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया है ब्लू ट्रिक राइट ऑप्शन, ये जो दिख रहा है, इसको अगर आप डीपी पर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर कॉर्नर डिब्बे में यस कर दीजिएगा, राइट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके डीपी पर जब आप फोटो सिलेक्ट करेंगे उस पर लग जाएगा कॉर्नर में। अगर आप नहीं चाहते तो इसको रहने दीजिएगा। तो मैं इसको लगाऊंगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया और बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा सिलेक्ट फाइल, ठीक है, आपको इमेज सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि आप 5 MB से कम वाली पिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी सबसे कम ही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट फाइल पर। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आप डायरेक्ट गैलरी पर क्लिक कर दीजिएगा, अपनी गैलरी से उस पिक को सिलेक्ट कर दीजिएगा जिसको आप अपने डीपी पर लगाना चाहते हैं इंस्टाग्राम की। तो मैं यहाँ से इस पिक को यहाँ से ले लेता हूँ। पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, यहाँ पर लोडिंग बता रहा है। आपकी जो डीपी होगी वो यहाँ पर कंप्लीट बन के आ जाएगी, वो बॉर्डर लग जाएगा गोल वाला, और ये जो वेरीफाई का ऑप्शन है राइट वाला, ये भी लग जाएगा ब्लू ट्रिक, ठीक है। आपको थोड़ा स्लाइडिंग करने के लिए यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से आपकी डीपी जो है वो दिखेगी इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इस तरह से कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, थोड़ा वेट मुझे करना होगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जल्दी से ही आपकी पिक जो होती है वो एक कंप्लीट हो जाएगी, राइट वाले ऑप्शंस का आ जाएगा, वहाँ पर बॉर्डर आ जाएगी, पूरी आपकी डीपी जो है कंप्लीट हो गया आ जाएगी, जिसे सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पर सेट करना है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 मिनट वेट किया और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, फिर से सिलेक्ट फाइल का आ चुका है, यहाँ पर अपलोड फोटो लिखा है। यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, जो पिक हमने यहाँ पर ऐड की है वो कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आ रही है, ठीक है, ये डॉग्स घूम रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट हमें जो है करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट और कर लेता हूँ, मेरा नेट कुछ ज़्यादा ही स्लो है,
यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जो इमेज हम बना जो इमेज हमने सेलेक्ट की वो वोटर के अंदर आ चुकी है, राइट वाला ऑप्शन भी आ चुका है, उसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी है। अगर सही नहीं बनी होगी तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और कई सारे यहाँ पर वोटर्स है अलग अलग तरीके लगा सकते हैं। अगर हमारी पिक सही नहीं होगी तो हम दूसरी पिक को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी डीपी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो आ चुकी है इंस्टाग्राम की डीपी। यहाँ पर जो वोटर हमने लगाया था, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया था 4 नंबर का, ये यहाँ पर आ चुका है। साइड में एक राइट का ऑप्शन भी आ चुका है वेरीफाइड का, जो कि हमने यहाँ पर क्लिक किया था। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको पिक को चेंज नहीं करना, अगर वोटर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल से यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो वाला आ जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, तो अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो फिर से मैं उसी को रहने देता हूँ, तो यहाँ पर फिर से टाइम लगेगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड लगते हैं, 2-3 सेकंड। उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है। अगर आप राइट वाला ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर से वेट करना पड़ेगा, और जो राइट वाला ऑप्शन है वो हट चुका है। अगर आप चाहते हैं तो फिर से क्लिक कर दीजिएगा, वो जो वेरीफाइड का ऑप्शन है वो वापस आपके डीपी पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपल से क्लिक करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर, ताकि हम जो डीपी आ गई है अब कंप्लीट हो चुकी है हमारी इंस्टाग्राम की, इससे हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक किया, यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी इमेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जैसे डाउनलोड होती है, यहाँ पर डाउनलोड होकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिंपल से जाना है अपने इंस्टाग्राम के अंदर, वो डाउनलोड होकर हमारी गैलरी के अंदर आ चुकी है, हमें अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं अभी मेरी जो डीपी है मेरे इंस्टाग्राम की बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, वही फोटो वही है लेकिन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल से लगाई गई है। हम मैं क्लिक करता हूँ एडिट पर, एडिट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डीपी पर, उसके बाद नई प्रोफाइल फ़ोटो जो हमने डाउनलोड की थी वो सबसे पहले थी, तो यहाँ पर वो ही आ चुकी है। अगर नहीं आए तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हमने डाउनलोड की थी वो सबसे ऊपर ही यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपको कुछ भी कटपेट नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबर होती है, बिल्कुल सही से होती है। आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जो फिल्टर चाहे वो ऐड कर सकते हो अलग अलग अपनी डीपी में, जो कि मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करता हूँ, ये डीपी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर सेट हो जाएगी कंप्लीट। देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट का ऑप्शन, वेरीफाई का ऑप्शन भी आ चुका है, डीपी भी आ चुकी है। अब जो भी बंदा आपके प्रोफाइल को देखेगा वो आपको जरूर से फॉलो करेगा, वो भी आपकी डीपी को देखेगा भी किस तरह से आपने ये डीपी बनाई है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की नॉर्मल फोटो, नॉर्मल डीपी को एक वोटर के अंदर कन्वर्ट करके काफी ज्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अपने इंस्टाग्राम के लिए अमेजिंग डीपी बनाइए। धन्यवाद।